और अब बात करेंगे जांच के घेरे में किस तरह से वाड्रा एक बार फिर से आ गए हैं और इसे लेकर पक्ष और विपक्ष कैसे आमने सामने आ गया है। तो वाड्रा लैंड जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच करवाने के लिए बीजेपी सरकार तैयारी कर रही है और इसके लिए सूबे की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान हुई लैंड डील्स की जांच के लिए कमीशन बनाने जा रही है। सूबे के कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि वाड्रा लैंड डील की जांच होगी, जांच कब होगी इस पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का एकाधिकार है और वही फैसला करेंगे कि जांच कब होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने भी साफ किया है कि पिछले 10 सालों में हुए जमीन अधिग्रहण की जांच करवाई जाएगी, जिसमें साफ हो जाएगा कि सरकार और बिल्डरों ने कैसे जमीन का अधिग्रहण किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी कहा कि जो कोई भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने कहा कि इसे राजनीति से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। तो एक बार फिर से वाड्रा लैंड डील का जिन कहें कि बोतल से बाहर आ गया है, इसको लेकर एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुका है। बीजेपी ने घेराव की तैयारी पूरी कर दी है और कहा है कि वाड्रा लैंड डील की खुलकर जांच होगी। तो सूबे के मंत्रियों की बात करें या केंद्रीय मंत्रियों की, सभी ने अपने अपने तर्क इस पूरे मामले में रखे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कानून से अलग हटकर जो भी काम करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जांच के लिए कमीशन बनाने की तैयारी, रामविलास शर्मा का बयान, अनिल विज का कि जांच जरूर होगी और इस पूरे मामले में एकाधिकार हालांकि मुख्यमंत्री का है, जांच वो कब करवाएंगे लेकिन होगी जरूर। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में जितनी भूमि अधिग्रहित की गई है उनकी जांच करवाई जाएगी। सबूत प्रमाण है, अब बहुत जल्दी ही हरियाणा सरकार एक कमीशन बिठाने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में, और ये जो 10 साल विसंगतियां हुई हैं हरियाणा की, जो लूट हुई है उसके ऊपर जांच कम बिठा रहे हैं। सर, कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट था, कुछ ऐसा फाइल पे नहीं है, सिर्फ आप फायदा लेने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस बेचारी मुद्दा विहीन हो गई, कांग्रेस के पास कोई इस समय मुद्दा बचा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी के सूटेड बूटेड जीजा जी की जो उन्होंने हरियाणा में जमीनों में घालमेल किया है उसकी जांच तो होगी जरूर। अब कब होगी, किससे करवाई जाएगी, ये मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है, ये उस पर वो तय करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के सूटेड बूटेड जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जी किसी भी हालत में जो अगर जो जो उन्होंने गलत किए हैं उससे वो बच नहीं पाएंगे। 10 साल के जो राज में जो हुआ है, जैसे मैंने कहा कि 20,000 एकड़ जमीन ऐसी थी जिसको सेक्शन 4 और 6 में नोटिफाई कर दिया एक्विजिशन के लिए, और उसके बाद वही जमीन बड़े बिल्डर्स ने, डेवलपर्स ने खरीद ली किसानों से, किसान ने इस डर से बेच दिया कि पता नहीं कितना मिलेगा, तो जो ये देते हैं वही ले लो, और वो सारी ज़मीनें फिर बाद में रिलीज़ की गई, और रिलीज़ करने के बाद उन्हीं लोगों ने CLU लिए जिन्होंने वो ज़मीनें किसानों से कौड़ियों के भाव में खरीदी थी। तो ये है स्कैंडल असल। देखो, इसको राजनीति से नहीं देखा जाना चाहिए, मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन कानून का अपना काम है, कानून के से खिलवाड़ कोई भी करेगा, चाहे वो कृष्ण पाल हो या कोई भी हो, तो कानून अगर उसकी इजाज़त नहीं देता तो वो कृष्ण पाल के खिलाफ भी होगी, दूसरे के खिलाफ भी होगी, उसमें क्या दिक्कत है। गैर कानूनी काम कृष्ण पाल करे, कोई भी करे, अगर उसकी जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है इसमें।